आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स, मैं हूं ऋषभ सिंह रावत आपके साथ। कल प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है। लिवरपूल ने अपने होम ग्राउंड एनफील्ड पर 4-1 से नॉर्विच सिटी को हरा दिया। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर्स की। जी हाँ, प्रीमियर लीग की जो ट्रांसफर डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है। भले ही स्पैनिश, इटालियन और फ्रेंच लीग्स की, जर्मन लीग्स की अभी चालू है, वो सितंबर में ख़त्म होगी। आज हम बात करेंगे कौन से टॉप 5 अराइवल्स थे और कौन से टॉप 5 डिपार्चर्स थे जो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर फी हैं। जी हाँ, जितने असेंडिंग ऑर्डर में आज हम देखेंगे कि कौन से प्लेयर्स थे जो सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए इस ट्रांसफर मार्केट में। शुरुआत करेंगे हम हैरी मैग्वायर से, जिन्होंने डिफेंडर एज अ डिफेंडर सबसे महंगी रिकॉर्ड फी, हाईएस्ट रिकॉर्ड फी इस ट्रांसफर में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की है। उनका वर्जिल वैन डाइक का रिकॉर्ड तोड़ा था मैथ्यू डिलेट ने, और उनका रिकॉर्ड तोड़ा हैरी मैग्वायर ने, जिन्होंने 87 मिलियन यूरोज में मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेंटर बैक को ज्वाइन किया। अब वो रियो फर्डिनेंड की 5 नंबर की जर्सी पहनते हुए दिखेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड में। सेकंड पायदान पे हैं निकोलस पेपे। जी हाँ, उनने भी आर्सेनल की तरफ से रिकॉर्ड साइनिंग की है। वो राइट विंगर हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग खिलाड़ी हैं, बहुत ही मतलब मादा है उनमें एज अ राइट विंगर। फ्लैंक्स पे ऊपर नीचे दौड़ते हैं, बर्स्ट करते हैं, तो उसी को देखते हुए उन्हें अमेरिकी टीम ने उनको अप्रोच किया और इस प्लेयर को उन्होंने 80 मिलियन यूरोज में बाय किया है। अब देखते हैं साइनिंग कैसे साबित होती है। यंग प्रोस्पेक्ट हैं, बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट हैं, देखते हैं क्या होता है उनका अंडर उनाई एमरी। थर्ड पायदान की बात करें तो थर्ड नंबर पे हैं रोड्री। जी हाँ, वो सर्जियो, नेक्स्ट सर्जियो बुस्केट्स कहे जा रहे हैं। एटलेटिको मैड्रिड में उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, बट अब उनकी लैंडिंग हो गई है मैनचेस्टर सिटी में। जी हाँ, वो फर्नांडिनो को रिप्लेस करते हुए वो डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन में दिख सकते हैं। उनको 70 मिलियन यूरोज में पेप गार्डियोला की टीम ने इस बार बाय किया है। अब चौथे पोजीशन की बात करें तो जोआन कैंसिलो आते हैं, पुर्तगाल के राइट बैक जो जुवेंटस से खेलते थे, उनको लैंड करवाया मैनचेस्टर सिटी में। उन्होंने दो बड़ी साइनिंग की है समर ट्रांसफर विंडो में। 65 मिलियन यूरोज में उन्होंने डेनिलो को स्वैप करा के और 65 मिलियन यूरोज में लैंड करवाया है उनको वापस एथियाड स्टेडियम में। जब जोआन कैंसिलो दिख सकते हैं राइट बैक पोजीशन में, वॉकर को सब्स्टिट्यूट करके वो एज अ सब्स्टिट्यूट खेलेंगे। और जब लास्ट फिफ्थ नंबर की बात होती है तो उसमें हमें दिखेंगे डोम्बेले, जो एक बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। उनकी जो सिसोको की जगह थी, सिसोको को इतना अच्छा लोग नहीं मान रहे थे क्योंकि वो कभी कभी मतलब बिट्स एंड पीसेस पैचेस में अपनी परफॉर्मेंस देते थे। तो अब डोम्बेले दिख सकते हैं हमको पोचेटिनो की टीम में, जो टोटनहैम की रिकॉर्ड साइनिंग है इस बार। तो ये थे हमारे टॉप 5 अराइवल्स जो इस साल प्रीमियर लीग में अपने जलवे बिखेरते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो हाईएस्ट मैच फी या हाईएस्ट ट्रांसफर फी के अकॉर्डिंग अब गए हैं प्रीमियर लीग को छोड़ के बाहर के क्लब्स में ऑल ओवर द यूरोप। सबसे पहला नाम आता है एडन हजार्ड का। जी हाँ, उन्होंने रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लिया है 100 मिलियन यूरो फीस के साथ, प्लस 30 मिलियन उनके एडिशनल बोनस हैं। तो वो रोनाल्डो की जगह अब राइट विंग पे दिख सकते हैं। लास्ट सीजन रियल मैड्रिड के लिए इतना खास नहीं रहा और पर्सनली एडन हजार्ड के लिए थोड़ा अच्छा सीजन था क्योंकि उन्होंने चेल्सी को बहुत अच्छे मतलब परफॉर्मेंसेस दी। उन्होंने भले ही ज़्यादा मेजर ट्रॉफी नहीं जीत पाए बट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी उनकी। बेल्जियम को भी उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छे से लीड किया था। अब देखते हैं क्या वो रियल मैड्रिड में वो बड़े जो बूट्स हैं रोनाल्डो के वो फिल कर सकते हैं और इस बार उसको स्पैनिश लीग या चैम्पियंस लीग में अच्छा एक वो दे पाते हैं, तगड़ी टक्कर दे पाते हैं बार्सिलोना को कि नहीं। दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरे नंबर पे आते हैं रोमेलू लुकाकू, जो इतना लास्ट सीजन स्ट्रगल कर रहे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, अब वो चले गए हैं इंटर मिलान। जी हाँ, सैन सिरो में लैंड कर गए हैं, 65 मिलियन फीस थी उनकी। अब तीसरे नंबर पे हैं डेनिलो। डेनिलो ने 37 मिलियन यूरोस में साइनिंग की थी, जो कैंसिलो स्वाप हुए हैं, जुवेंटस गए हैं, जुवेंटस से यहाँ आए हैं, अब वो जुवेंटस जाएंगे वापस। अब फोर्थ नाम आता है मार्को अट्रोजनोविच का। अट्रोजनोविच शंघाई LPG में गए हैं 25 मिलियन यूरोज़ की फ़ीस में। और